पेज नंबर 21। पाठ छो सब्जी शाक भाजी। चित्र देखिए, पढ़िए और लिखिए। हमको क्या करना है, चित्र देखना है और उसके बारे में हमने लिखना है। कैसे नाम लिखना है, हमें हिंदी में नाम लिखना है। तो आपको किस चीज़ का चित्र दिख रहा है, ये आलू। तो हमने क्या लिखा, आलू। आलू को गुजराती में क्या बोलते हैं, बटाटा। फिर ये फूल किस चीज़ का चित्र है, फूल गोभी। तो हमने लिखा फूल गोभी। फूल गोभी का गुजराती में क्या बोलते हैं, फुलेवर। फिर ये किस चीज़ का चित्र है, बैगन। बैगन को क्या बोलते हैं गुजराती में, रिंगड़ू। और हमें यहाँ बैगन लिखना है। फिर क्या है ये, मटर। मटर, हाँ मटर है ये। और इसे क्या बोलते हैं, वटाना गुजराती में। फिर आपको किसका चित्र दिख रहा है, गाजर। आप खाते हो ना गाजर का हलवा, ये वही गाजर है। और इसको गुजराती में भी गाजर बोलते हैं। फिर ये किसका चित्र है, टमाटर। टमाटर को गुजराती में क्या बोलते हैं, टमेटो। फिर ये दिख रहा है आपको क्या, कौन सा चित्र है, ये लौकी। लौकी को क्या बोलते हैं गुजराती में, दूधी। फिर ये भिंडी दिख रही है आपको, भिंडी। इसको क्या बोलते हैं, भिंडो। फिर ये क्या है, मूली। तो इसको गुजराती में क्या बोलते हैं, मूड़ो। फिर ये पत्ता गोभी, इसको क्या बोलते हैं, गोभी। ये आपको दिख रहा है करेला। करेला कैसा होता है, कड़वा होता है। इसको गुजराती में क्या बोलते हैं, कारेलू। फिर ये किस चीज़ का चित्र है, मिर्च। मिर्च को क्या बोलते हैं, मरचू। आ नाम जानो, आ नाम पर जानो अने लखो। तो दिख रहा है डुंगड़ी। डुंगड़ी को क्या बोलते हैं, प्याज। कोड़ू। कोड़ू को हिंदी में क्या बोलते हैं, कद्दू। फिर लींबू। लींबू को हिंदी में क्या बोलते हैं, नींबू। लहसुन। लहसुन को हिंदी में क्या बोलते हैं, लहसुन। मेथी को हिंदी में बोलते हैं मेथी। और इसका आप इस तरह आपको पेंसिल से अच्छी तरह से लिखना है। और आपको ये हिंदी नाम भी अपनी आइडियल में लिखना है। पेज नंबर 22। प्रथम अक्षर के सहारे सब्जी का नाम लिखिए। आपको दिख रही है ये बास्केट। तो इसको यहाँ इन्होंने क्या किया, लिट्टी खींची। और प्रथम मतलब पहला अक्षर हमें दिया है, तो हम शुरू करते हैं। ये क्या है, फू दिया है। तो हमें क्या क्या आएगा फू से, फूल गोभी। तो हमें लिखना है फूल गोभी। देखा बच्चों आपने, हमें इस तरह लिखना है फूल गोभी। फिर ये क्या है, आ लिखा है। तो ये क्या आएगा, आ लू। तो हमें लू लिखना है इस तरह। फिर ये क्या है, गा। तो हम क्या लिखेंगे, क्या इससे क्या आता है, ग से, गा से गाजर। हमने पढ़ा ना अभी आगे वैसी। फिर ये लव दिया है, लव से क्या आता है, लौकी। तो हम लिखेंगे लौकी। फिर मे से क्या आता है, मेथी। तो हम लिखेंगे मेथी। फिर ट से क्या आता है, आपको दिख रहा है, टमाटर। तो हमें लिखना है टमाटर। फिर यहाँ देखिए क है, तो क से क्या आता है, करेला। तो आपको क्या लिखना है, करेला। फिर ये बे दिया है, तो बे से बैगन। दिखा आपको बैगन टोकरी में, ये रहा बैगन। फिर ल से लहसुन। फिर आपको ये मुँह दिया है, तो मुँह कौन सी सब्जी का प्रथम अक्षर मुँह है, तो मूली का। तो हम लिखेंगे मूली। फिर ये पा दिया है, कौन सी सब्जी का पहला अक्षर पा से आता है, पालक। और ये हमें क्या दिया है, म से कौन सी सब्जी का पहला नाम आता है, मटर। देखिए आगे, दुकान में रखी सब्जियों के नाम हिंदी में लिखिए। दुकान में गोठवाईली सागभाजी ने नाम हिंदी में लखो। ये आपको दिख रही है दुकान, इसमें सब सागभाजी क्या किए, इन्होंने सागभाजी दिए गुजराती में, उसको हमें हिंदी में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, दूधी। तो हम गुजराती में नाम है, तो हमें क्या लिखना है इसका हिंदी, लौकी। देखा बच्चों, यहाँ लिखा है ना हमने लौकी। फिर दूसरा कौन सी सब्जी है, फुलेवर। फुलेवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, फूल गोभी। फिर तीसरे पे क्या है, रिंगण। तो रिंगण को हिंदी में क्या बोलते हैं, बैगन। तो आपको इस तरह लिखना है बैगन। फिर पालक, तो हमको इस तरह पालक लिखना है। फिर गाजर, तो हमको इस तरह गाजर लिखना है, ये रहा गाजर। फिर क्या है, छठे चित्र में बटेटा। तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी का नाम, क्या है उसका, आलू। लहसुन, लहसुन को हिंदी में क्या बोलते हैं, लहसुन। फिर क्या है, डुंगड़ी। डुंगड़ी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्याज।
फिर भिंडा, भिंडे को क्या बोलते हैं हिंदी में, भिंडी। आपको इस तरह भिंडी लिखनी है। मरचू, मरचू को हिंदी में क्या बोलते हैं, मिर्च। और आपको क्या करना है, इस तरह से अच्छे से नाम लिखना है। आपको आपके नोट में भी लिखना है, आपको चित्र दौड़ना नहीं है। और ये भी आपको लिखना है एक नंबर दो नंबर मार के, और आपको कुछ भी दौड़ना नहीं, इसे वैसे ही खाली जगह करके करना है।